व्लॉग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हैं और व्लॉग के कुछ पार्ट्स में स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का भी यूज़ है, तो ये व्लॉग मैच्योर ऑडियंस के लिए है। हमारा उद्देश्य किसी को ऑफेंड करना नहीं है, तो व्लॉग को एंजॉय करें। अबे भैया ये क्या कर रहे हैं जिम में? जल्दी वहां से हटो, तेरा माइक उतर, हट बैठ। इस ब्लॉग को शुरू करने से पहले एक बहुत 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 जरूरी सूचना, वो ये है कि अब से जितने भी व्लॉग्स आएंगे वो नए चैनल पे आएंगे जो मैंने स्पेशली व्लॉग के लिए बनाया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब जरूर करना। और दूसरी स्पेशल चीज, वो व्लॉग्स इस तरीके के व्लॉग्स रहेंगे कि आप अपनी फैमिली के साथ भी बेझिझक देख सकते हैं, नो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, पूरे फैमिलियर कॉन्टेंट रहेंगे उन व्लॉग्स में। तो जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उससे सारे नए व्लॉग्स वहीं आने वाले हैं। इसलिए तरना पड़ा क्योंकि तुम्हारे नोनू भाई ताते हैं इस चैनल पर, मैं सिर्फ वाइंस डालू, मतलब फनी वीडियोस फुल फर्राते वाली, इसलिए व्लॉग सिर्फ उस चैनल पे आएंगे। तो जल्दी से जाओ नोनू भाई तले, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, और आज वाला व्लॉग होने वाला फुल चोदी भरा। तो भाई लीड लगा लो और घर वालों के साथ बैठ के आज देखने की नहीं हो रही, क्योंकि आज लौंडे लौंडे हैं और आज हम जाएंगे स्विमिंग पूल। इसने एक पूल बताया है जहाँ पे ये कह रहा है कि 50-60 रुपए की टिकट है, हमें बहुत डाउट है, इसकी हरकतें सारी डाउट वाली हैं, हमें आज तक ये भी नहीं पता है लड़का या लड़की। ये वाला क्या बात कर रहे हैं? इसने बताया एक पूल है लोनी में 50-60 रुपए की टिकट, और कह रहा जितना मर्जी उसमें मजे लो, तो आज जाके देखेंगे। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं जिम, और जिम से वापस आते ही हम पूल जाएंगे। थुनो भाई मेरा है सीधा फंदा, अगर पूल दंदा हुआ मैं इसकी दांत फाल दूंगा। तू माला भाई जिम करता है एकदम देशी तरीके से, भाई अपना आराम से जिम से पहले एक आध उबला हुआ आलू खाया थोड़ी देर पहले और जिम निकलता है, और ये आ गए नवाब के तोदे, पता नहीं मेडिकल स्टोर से क्या लेने दिया, ये एनर्जी जेल पता नहीं क्या होता है, कह रहा है उससे मेरे अंदर एनर्जी आ जाएगी, पर एनर्जी ये हाल होता है इसका जिम में भी। ये होता है एनर्जल, वो ऐसे बंदे लो जो एकदम जिम फ्रीक है भाई, सीरियस है जिम के लिए, उसे एकदम पैशन की तरह लेते हैं। एक जैसे चूतिए लेंगे क्या अब इसे? अबे यार पता नहीं वहाँ किसने कर रखी थी, पैर में लग गई जूतों में, और ये क्रिश बता रहा है आज मेरे घर पे लाइट नहीं आ रही थी तो मैं करके आया हूँ वहाँ पे। ये देखो पैसे गिर गए भाई, तू पहले बता तू सुबह वहाँ पे क्यों करके आया है भाई? पागल हो क्या? वहाँ पे किसी के पैसे गिरे थे उठा लिए, वापस नहीं किए उसे? वापस नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि इनके थे ना वो, यही इसके थे। बिंदु दीदी है हमारी, बिंदु दीदी हो गई जिम की एंट्री, ये बिंदु दीदी अपना वेट नाप रही है, ये है हमारा ट्रेनर। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है वो उसकी स्माइल में झलकती है, और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट। बिंदु दीदी मटक मटक के चल रही हैं, पीछे देखियो भाई बिंदु। ये माल गाड़ी तो थक्का लगा, आज फटे चक लैण दे, आज फटे चक लैण दे। अबे भैया ये क्या कर रहे हैं जिम में? तो गाइस फाइनली मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और मैं पानी पानी हो चुकी हूँ। भैया कैसी लग रही है मेरी बॉडी? ये छेड़ रही है मेरे को देखो। यार इस चुड़ैल को कहाँ से ले आया तू व्लॉग में? यार इस कुत्ते को क्या दिक्कत होती है मेरे व्लॉग में होने ना होने से? जा रही हूँ मैं। हाँ तल निकल फटाफट, अब जा रहे हैं घर, जिम तो हो गया। मेरे 59 सावन में पूरे 59 फास्ट है, तो बहुत सारे लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि भाई इस टाइम तक के लिए जिम छोड़ दे, कैसे करेगा फास्ट में जिम? अब भाई 59 डेज तक के लिए जिम छोड़ना कोई मजाक नहीं है। तो ऐसा होता है मैं लिक्विड वाली चीजें ले लेता हूँ जो व्रत में ले सकते हैं, या फिर फ्रूट्स वगैरह खा लेता हूँ, और मस्त जिम होता है, कोई टेंशन नहीं है। तो भाई मैंने तो फटाफट कर लिया चेंज, बाकी सारे दोस्त भी कर गए, बस वो आने वाले, फिर हम निकलेंगे स्विमिंग पूल। मेरे को तो लग रही थी बहुत तेज भूत, इसलिए मैं ले आया व्रत वाले चिप्स और ये फ्रूटी, अभी ये थाउंगा और पीऊंगा, उसके बाद पूल जाऊंगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सावन में मैं एक टाइम मतलब रात के टाइम में नमक खा लेता हूँ, थिन नमक, और बाकी टाइम सिर्फ मीठा। लेकिन अगर मंदे है उस दिन सिर्फ मीठा, नो नमक उस पूरे दिन, तो आज मंदे नहीं है इसलिए मैं ये भाई। सब आ गए हैं पूल जाने के लिए, और हमारी इसके आगे शर्त यह है अगर वो पूल खुला नहीं मिला तो हमें किसी और पूल में ले जाएगा और अपने खर्चे पे। बोल क्योंकि इसने बोला कि वो, क्योंकि इसने बोला कि 50-60 रुपए की टिकट है वहाँ की, इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ कि कैसा है। बोल जल्दी बोल ना भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बोल
फोन तो लग गया राजेंद्र क्लब का, बता बता इधर, इधर अरे खुला मिलेगा, इधर देख के उसके सारे पैसे तू भरेगा। हेलो अंकल, आपका पूल कितने बजे तक खुल रहा है? अब बंद हो गया है। तेरी ऐसी की तैसी, ठीक है भाई बंद है, अभी अभी गए नहीं, अभी गए नहीं। मार यार साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। बड़ा भूतली वाला इंसान है भाई, पहले कह रहा 50-60 रुपए में लेते चलूंगा, 9:30 बजे तक खुलता है, अभी फोन किया 7:30 बजे, वो कह रहा है पूल ही नहीं खुला। अब इसके चक्कर में किसी और में जाएंगे, चाहे कितने भी पैसे ले जाए, पूल में जाना है, यही मारनी है और यही बढ़ेगा पैसे। तो भाई चाहे दांत फटके हो जाए चल, लेकिन बनना इन्हें थूपर स्टार। इसके चक्कर में पूरे मूड की ऐसी तैसी हो गई। अब हम एंड टाइम पे देख रहे किस पूल में जाएं, और सबसे पहले दिक्कत ये है दूसरे पूल में जाने की, बात पैसों की नहीं है, बात ये है वो वीडियो नहीं बनाने देते यार, और ऐसे तो मेरा व्लॉग खराब हो जाएगा ना। तो भाई हम घर से तो निकल पड़े, अब ये नहीं पता जाना कहां, तो इधर उधर फोन लगा रहे कि कौन से पूल में जाए, कौन से पूल में जाए। ऐसे चूतिया दोस्त पे कभी भरोसा मत करना। एक जगह का मिल गया है पूल हमें, बाकी सारे कह रहे थे कि वीडियो नहीं बनाने देंगे, ये दिक्कत हो गई थी, लेकिन एक जगह मिल गई है, स्कूल के अंदर का पूल है ये, मतलब स्कूल के साइड में, तो वो कह रहे कि वीडियोग्राफी अलाउड है, तो बस हमने इसलिए एकदम ओके कर दिया सुनते ही। फाइनली पूल पे पहुंच चुके हैं, ये रहा पूल, और सिर्फ हम ही हैं, सबसे प्लस पॉइंट ये है, ये आ गया मीठा भाई, मेरे को तो डर लग रहा है, मैं तो ऐसे ना लूंगा भाई। मैंने देखा है लोग अपने आईफोन वगैरह ना पानी में घुसा देते हैं, लेकिन मेरे में इतना जिगरा नहीं है, इस वाले में ये जिगरा, और इसलिए अपना फोन बाहर ला रहा, तो इसी का फोन अब हम पानी में डालेंगे, उससे रिकॉर्ड करूंगा आगे के बाद, क्योंकि मेरे में ये जिगरा नहीं है कि मैं अपना फोन पानी में डालूं। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूं अपनी बॉडी, मतलब चमताता हूं। अब घुसियो पानी के अंदर मेरे साथ, चल। तो भाई अब करेंगे एक कलाकारी, मैं पानी में पैर खोल के खड़ा हो रहा हूं, और ये मेरे पैर के नीचे से निकलेगा अंडर वाटर। आ जा कुछ भी चाहता है फूलों की लाशों। हो गया भाई, हो गया, हो गया, हो गया भाई। गुलाबी गुलाबी भाई, फोन ही हाथ से छूट गया था पानी में। भाई फाइनली पूल के पूरे मजे लेके अब हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए। तुम वाले भाई ने तो खूब कलतबबाजी तरी, पानी के अंदर मजा आ गया। अब चलो चलते हैं घर, और अब तो मैं दिखाऊंगा कि मैं व्रत में क्या थाना खाता हूँ रात को। आ गया भाई मैं घर पे, अब बहुत तेज भूख लग ली, अब फटाफट व्रत का थाना खाऊंगा। अब से जितने भी व्लॉग्स आएंगे वो नए चैनल पे आएंगे, जो मैंने स्पेशली व्लॉग के लिए बनाया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये है मेरा व्रत का खाना, कुट्टू की पकौड़ियां, दही विद सेंधा नमक, और मेरी आलू की सब्जी। मजा सा आ गया भाई, कल ना मैं एक बहुत स्पेशल जगह जा रहा हूँ, वहां का भी ब्लॉग बना के जल्दी पोस्ट करूंगा, तो उस ब्लॉग को भी जरूर देखना, और इस ब्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो खत्म करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे, बाय बाय, लव यू।